हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। बिहार नियोजन शिक्षकों के लिए यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई हुई है। और क्या है ये अपडेट, वीडियो में देखेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि यहाँ पे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलता रहता है। तो यहाँ पे जो प्रारंभिक शिक्षक नियोजन है जो कि 2019 का, इसके तहत जो शिक्षा विभाग द्वारा जारी यहाँ शेड्यूल के अनुसार अभ्यर्थी अब संबंधित वीडियो कार्यालय में भी अपना आवेदन कर सकते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जो बिहार नियोजन शिक्षक है, इसका फॉर्म जो था वो सभी पंचायतों पर उपलब्ध था, लेकिन यहाँ पे 4 दिन बीत जाने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिक्कत होता था इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। यहाँ नियोजन इकाइयों के बंद रहने की स्थिति में वीडियो प्राप्त करेंगे अभ्यर्थी से अपना आवेदन, और सभी प्रखंड कार्यालयों में आवेदन प्राप्त करने के लिए काउंटर खोलने का दिया गया निर्देश। इसके बाद से आपको ये भी बता दें कि जो इस फॉर्म में अप्लाई करेंगे वो डीएलएड किए हुए हैं और टीएट या सीटेट पास हैं, वे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थी आवेदन लेकर इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन अब अभ्यर्थियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिला शिक्षा विभाग के स्थापना डीपीओ ने यहाँ पे बताया है कि जिन पंचायतों में नियोजन इकाई के सचिव किसी न किसी कारणवश अभ्यर्थी से आवेदन नहीं ले रहे थे, वैसे अभ्यर्थी संबंधित वीडियो के कार्यालय में जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। सभी वीडियो को प्रखंड कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने के लिए यहाँ पे काउंटर खोलने का निर्देश दिया गया है, और अभ्यर्थी प्रखंड कार्यालय में जाकर आवेदन जमा कर सकेंगे। और इसके साथ ही प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के लिए 14 जुलाई तक इसका जो फॉर्म है ये अप्लाई करने का डेट रखा गया है। 14 जुलाई तक यहाँ अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, और जुलाई में स्कूल खोलने की यहाँ पे नहीं हो सकी है तैयारी। और इसके साथ ही यहाँ पे जो महामारी है, इसकी वजह से ये स्कूल सभी लॉकडाउन के वजह से बंद हैं। और इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे 18 जुलाई तक मेधा सूची तैयार होगी। तो जो भी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनको 18 जुलाई तक मेधा सूची तैयार किया जाएगा, और इसके बाद से 21 जुलाई तक नियोजन समिति द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन कर 23 जुलाई को मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा, और 26 जुलाई से 7 अगस्त तक मेधा सूची का दावा आपत्ति जो भी होगा वो प्राप्त किया जाएगा, और इसके साथ ही 10 अगस्त तक आपत्तियों का निराकरण यानी जो भी उसका निपटारण है करके 12 अगस्त को मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन दिया जाएगा। और इसके बाद 22 अगस्त तक यहाँ जिला द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन, और 25 अगस्त तक यहाँ पे नियोजन इकाई द्वारा मेगा सूची का सार्वजनिकरण किया जाएगा यानी पब्लिकली यहाँ पे प्रकाशन होगा, और अंत में 28 अगस्त तक मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर चयन किया जाएगा, और इसके बाद से 31 अगस्त तक जो भी चयनित अभ्यर्थियों हैं उनको नियोजन पत्र बांटा जाएगा, नियोजन पत्र जारी किया जाएगा। तो ये खबर है जो कि आज का लेटेस्ट न्यूज है। आप इस खबर को पढ़ने के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, और उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो जो भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं आज से वो वीडियो कार्यालय में जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं, और सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो भी चाहिए उसके लिए हम लोगों ने पहले ही एक वीडियो बनाया था। अगर आपने उस नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से फॉर्म इस फॉर्म कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म को भरने के लिए चाहिए वो आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे बात आपको क्लियर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।